हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉररलैंड। आज से मैं एक न्यू सीरीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इस सीरीज़ में थ्रिलर, हॉरर, सस्पेंस और मैजिक से भरी स्टोरी होगी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एक लड़की एक टाउन के बच्चे को एक डेमन से आज़ाद करने की कोशिश करेगी, जो बच्चे अपनी हैप्पीनेस के लालच में उस डेमन के कैद में आ चुके थे। इस सीरीज़ का नाम है NOS4A2। ये सीरीज़ 2019 में स्टार्ट हुई थी और इस सीरीज़ का IMDb रेटिंग 6.7 है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है डेनियल नाम पर एक छोटे से बच्चे से, जो खुद को बहुत ही अकेला फील करता था। उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे और उसके पेरेंट्स भी उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। अब एक रात को वो अपने रूम से अपने पेरेंट्स के रूम के बाहर गया और उसने अपनी माँ से रिक्वेस्ट की कि उसे उनके साथ में ही सोना है। उस समय पर डैनियल के पेरेंट्स एक दूसरे के साथ में इंटीमेट हो रहे थे, तो इसीलिए उसकी माँ उसे रूम के अंदर नहीं आने देती है और उसे फिर से अपने रूम में जाकर सोने को कहती है। डैनियल को इस बात से बहुत ही बुरा लगता है और वो अपना मन हल्का करने के लिए अकेले टीवी देखने लगता है। तभी अचानक से टीवी चलना बंद हो जाती है और डैनियल को घर के बाहर से क्रिसमस सॉन्ग सुनाई देता है। वो जब उस सॉन्ग को फॉलो करते हुए घर के बाहर जाता है तो उसे एक कैंडी मिलती है और उसके सामने रोड पर एक कार खड़ी हुई थी जिसके अंदर बहुत सारे गिफ्ट भी पड़े हुए थे। उन गिफ्ट को देखकर डैनियल इतना ज़्यादा खुश था कि बिना कुछ सोचे समझे वो उस कार में जाकर बैठ जाता है। तभी उसके सामने चार्ली नाम का एक ओल्ड आदमी आता है, जिसके आते ही कार का डोर अपने आप बंद हो जाता है। डैनियल बहुत कोशिश करता है कि कार का डोर खोले, लेकिन उससे उस कार का डोर नहीं खुलता है। अब यहाँ पर घर के अंदर जोनाथन नाम का एक किलर डैनियल के फादर को चाकू से स्टैब करके उन्हें जान से मार डालता है। और डैनियल की माँ जब उसे देखने के लिए उसके रूम में आती है तो उसे वहाँ पर डैनियल तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन उसे लिविंग रूम में अपने हस्बैंड की डेड बॉडी ज़रूर दिखाई देती है। साथ ही में उसका सामना जोनाथन से होता है। किसी तरह वो जोनाथन पर वार करके घर के बाहर आती है और उसी समय अपनी माँ को देखकर डैनियल उन्हें आवाज़ लगाता है, लेकिन डैनियल की माँ उसके पास आ पाती। उससे पहले जोनाथन उसके गर्दन को तोड़कर उसे जान से मार डालता है। डैनियल अपनी माँ को मरता हुआ देखकर बहुत रो रहा था और चार्ली उसे रोने के लिए मना करता है, क्योंकि वो उसे क्रिसमस लैंड ले जाने वाला था। वहाँ पर उसके जैसे लोनली बच्चे रहते हैं जिन पर उनके पेरेंट्स ध्यान नहीं दिया करते हैं। वहाँ पर डैनियल जैसे बच्चे बहुत खुश रहते हैं और वहाँ का हर एक दिन क्रिसमस के जैसा होता है। चार्ली की ऐसी बातें सुनकर डैनियल बहुत डर जाता है और कार में ही एक जगह पर चुपचाप बैठ जाता है। अब कहानी विक नाम की एक टीनेजर लड़की की तरफ आती है, जो कि अपनी मॉम लिंडा के साथ में किसी के घर को क्लीन कर रही थी। लिंडा का काम यही था कि वो दूसरों के घर जाकर उनके घर को क्लीन करती थी और कभी कभी विक भी उसके काम में उसकी हेल्प कर दिया करती थी। उस दिन विक और लिंडा जिसके घर में काम कर रहे थे वहाँ के ऑनर की बेटी विला विक की दोस्त थी और वो उससे स्कूल के बाद की प्लानिंग के बारे में पूछती है। विला अपना स्कूल ख़त्म करके एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी में जा रही थी क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। विक को भी बहुत मन था कि वो भी स्कूल ख़त्म होने के बाद में आर्ट सीखने के लिए किसी अच्छे कॉलेज में जाए, लेकिन विक की माँ लिंडा चाहती थी कि स्कूल ख़त्म होने के बाद में विक भी उसके साथ में क्लीनिंग की जॉब करे। लिंडा के हिसाब से कॉलेज जाना यानी कि पैसे की बर्बादी करना। बहुत से बच्चों के ऊपर तो कॉलेज का बहुत बड़ा लोन भी हो जाता है जिसे वो चुका नहीं पाते हैं और खुद कॉलेज की स्टडी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो इसीलिए वो विक को काम पर ध्यान देने को कहती है। विक की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। उसके फादर क्रिस भी छोटे मोटे मैकेनिक का काम करते थे, ऊपर से उसके पेरेंट की हर टाइम पर लड़ाई भी होती थी। विक जितना हो सके अपने पेरेंट की फाइट को इग्नोर करती थी, लेकिन जब बात हद से ज़्यादा पड़ जाती थी तो विक अपने फादर की मोटर बाइक को लेकर घूमने निकल जाया करती थी। तो अब एक दिन विक घूमते घूमते उस टाउन के फॉरेस्ट वाले इलाके में आ जाती है जहाँ पर उसे एक हाउस के शेप में बना हुआ है एक पुराना ब्रिज दिखाई देता है। उस ब्रिज को देखकर विक थोड़ा सा अंदर चली जाती है। वहाँ पर विला नाम लिखा हुआ था। उस ब्रिज पर खड़े होकर विक को बहुत ही अजीब फील हो रहा था, तो इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जब विक उस ब्रिज के अंदर गई थी तो दूसरी तरफ चार्ली को भी कुछ अजीब फील हो रहा था। सीन कट होता है और अगले सीन में हम मैगी नाम की एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि पुलिस को देखकर डैनियल के घर तक आ गई थी। पुलिस डैनियल के पेरेंट के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और डैनियल को भी ढूंढने में लगी हुई थी। मैगी वहाँ पर क्या हुआ है ये करीब से देखना चाहती थी, लेकिन पुलिस ऑफिसर जो उसे वहाँ से भेज देते हैं। वहीं पर सड़क पर मैगी को वही कैंडी मिलती है जो कि रात को डैनियल को मिली थी।
और मैगी उस कैंडी को अपने साथ में ले आती है। अब अगर मैगी की बात करें तो उसके पास में एक बैग था और वो जिस भी चीज़ के बारे में जानना चाहती थी उसके बारे में सोचकर वो जब उस बैग के अंदर हाथ डालती थी तो उसके हाथ में कुछ लेटर के पजल आ जाते थे और उन पजल को जोड़ने के बारे में एक वर्ड बन जाया करता था। इसी तरह वो डेनियल के बारे में सोचकर बैग से कुछ लेटर निकालती है जिसके बाद में उन लेटर को मिलाकर द व्रेथ वर्ड बनता है। अगेन सीन जंगल की तरफ आ जाता है जहाँ पर जंगल में आने के बाद में विक मिली नाम की एक छोटी सी बच्ची से मिलने जाती है जिसे विक कभी कभी ड्राइंग सिखाया करती थी। और डेनियल की तरह मिली का भी कोई दोस्त नहीं था तो इसलिए मिली विक के साथ भी बातें किया करती थी। विक भी मिली को अपनी सिस्टर जैसी मानती थी और उससे बहुत ही प्यार भी करती थी। मिली से थोड़ी देर बात करने के बाद में विक अपने घर चली आती है और वहाँ पर उसे अपनी मॉम नहीं दिखाई देती है और उस समय वो आर्ट कॉलेज के बारे में अपने पिता से बातें करने लगती है। उसके पिता उसके आर्ट कॉलेज में जाने के डिसीजन को पूरा सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो भी अपने समय में एक म्यूज़िक कंपोज़र बनना चाहते थे। तब लिंडा प्रेग्नेंट हो गई थी और उन दोनों को शादी करना पड़ी थी और विक की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आते ही दोनों कॉलेज नहीं जा पाए और उन्हें छोटे मोटे जॉब करने पड़े। उनका कोई भी सपना पूरा नहीं हो पाया तो इसलिए क्रिस विक को एडवाइस देता है कि वो अपने करियर पर फोकस करें, कभी शादी और बच्चा ना पैदा करें, नहीं तो वो फंस कर रह जाएगी और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अभी इसके बाद में क्रिस विक को उसके स्कूल छोड़ता है और वहाँ पर वो स्कूल के क्लीनर बिंग से मिलकर उसे एक कॉमिक बुक देती है। स्कूल में विक के अलावा बिंग से और कोई भी स्टूडेंट बात नहीं करता था, बस विक ही उसके साथ में बहुत ही अच्छे से बिहेव करती थी और वो उसके लिए कॉमिक बुक भी लाया करती थी जो कि बिंग की फेवरेट थी। इसके बाद में विक अपनी आर्ट क्लास में जाती है और वहाँ पर वो उसे ब्रिज को ड्रॉ करती है। उसकी टीचर भी उसके इस ड्राइंग की बहुत तारीफ करती है लेकिन विक को अपनी टीचर से पता चलता है कि इस ब्रिज को 15 साल पहले तोड़ दिया गया था। ये सुनकर विक को बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि आज सुबह ही उसने उस ब्रिज को देखा था। इधर हम चार्ली को डेनियल और किलर जोनाथन के साथ देखते हैं। चार्ली जोनाथन पर बहुत ही गुस्सा था क्योंकि उसने डेनियल की माँ को उसके सामने मारा था जिससे कि डेनियल अभी तक डरा हुआ था। चार्ली नहीं चाहता था कि किसी भी बच्चे के दिमाग में कोई भी बुरा असर पड़े और लोनली बच्चे को खुश रखना चाहता था। जोनाथन भी अपनी गलती मानकर चार्ली से माफ़ी मांगता है लेकिन चार्ली उसे माफ़ नहीं करता है और उससे कार से धक्का देकर जान से मार डालता है। जोनाथन की कार गिरने की आवाज़ सुनकर डेनियल नींद से उठ जाता है और इस समय पर डेनियल पहले से बहुत ही बदल चुका था और अब वो चार्ली की बातें मान रहा था। डेनियल तो क्रिसमस लैंड जाने की बात से ही खुश हो रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके पेरेंट की मौत में चार्ली का ही हाथ है। अब अगले दिन विक अपने पेरेंट के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर वो अपने फादर को अपनी ड्राइंग्स दिखाती है। उसके फादर उसके टैलेंट से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे लेकिन उसकी माँ लिंडा का अभी भी ये कहना था कि वो कॉलेज का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इसलिए विक को कॉलेज जाने की बात छोड़कर कोई काम कर लेना चाहिए। तो अपनी माँ की बातों को अवॉइड करने के लिए विक विला की फैमिली पार्टी में चले जाती है जहाँ पर उसकी माँ क्लीनर का काम करती थी। वहाँ पर विला की माँ एंजेला विक को उसकी माँ का क्रेडिट कार्ड देती है जो वो काम के टाइम पर उनके घर पर गलती से छोड़ गई थी और इसी क्रेडिट कार्ड के खोने पर दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था। अब इसके बाद में विक विला के फ्रेंड से मिलती है। सभी लोग वहाँ पर बहुत ही अमीर थे, वे सब पहले तो विक से नॉर्मली बातें कर रहे थे लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि विक की मॉम एक क्लीनर है और उसके डैड के पास में कोई जॉब नहीं है तब वे लोग विक की इंसल्ट करते हैं कि वो इस फाइनेंशियल कंडीशन के साथ में कॉलेज नहीं जा पाएगी। इस बात से विक को बहुत ही बुरा लगता है और वो अकेली एक जगह पर जाकर बैठ जाती है। तब उसके पास में मेटी नाम का एक लड़का आता है लेकिन उसकी भी बातें विक को पसंद नहीं आती है और पार्टी से जाने लगती है। तब एंजेला विक को रोक कर उसको लिंडा के बारे में बातें करती है कि उन दोनों को टाउन के वुमन शेल्टर हाउस में रहना चाहिए। यानी कि इनडायरेक्टली एंजेला ये कहना चाहते थे कि उसके फादर क्रिस एक अब्यूजिव हस्बैंड है और उन्हें उनसे अलग रहना चाहिए लेकिन विक अपने फादर को अब्यूजिव नहीं मानती थी क्योंकि वो तो उनसे बहुत ही प्यार करते थे तो इसीलिए वो एंजेला की बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मैगी पुलिस ऑफिसर जो से मिलने जाती है ताकि वो डेनियल के केस के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सके। साथ ही वो इस टाउन की सबसे पुरानी रोल्स रॉयस के बारे में पूछती है क्योंकि उस बैग की पजल लेटर में उसे रोल्स रॉयस कार के बारे में पता चलता है लेकिन जो को इस बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। बस उसे ये पता था कि डेनियल की तरह पहले भी ऐसे बच्चे गायब हो चुके हैं जो कभी नहीं मिले और उनके मिसिंग होने से पहले उनके पेरेंट को भी किसी ने जान से मार दिया था। अब अगले दिन विक के पेरेंट का फिर से झगड़ा होता है क्योंकि क्रिस ने अपनी वॉच खो दी थी
और उनके बढ़ते हुए झगड़े को देखकर विक फिर से क्रिस की मोटरबाइक लेकर जंगल में घूमने चली आती है। अब इस बार वो बिना कुछ सोचे समझे उस ब्रिज को पार कर लेती है, जहाँ से वो उसी रेस्टोरेंट की तरफ आती है जिसमें उसकी फैमिली ने कल लंच किया था। और उस रेस्टोरेंट के अंदर जाने पर वहाँ का एक वर्कर विक को उसके पिता क्रिस की वॉच दे देता है जो कल वहाँ पर भूल गए थे। लेकिन ब्रिज को पार करने के बाद में विक को बहुत ही अजीब फील होने लगता है क्योंकि उसकी एक आंख पूरी लाल हो चुकी थी। जब वो वापस उसे ब्रिज को पार करके जंगल की तरफ आ रही थी तो बहुत सारे फ्लाइज उसके आसपास घूम रहे थे। किसी तरह विक खुद को संभालती है, उस ब्रिज को पार करके जंगल तक आ जाती है। उस जंगल तक आते ही अजीब तरीके से वो ब्रिज अपने आप गायब हो जाता है। वहाँ से विक मिली से मिलने उसके घर तक आती है लेकिन वहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने से पहले एक पल के लिए विक को चार्ली का विजन आता है और चार्ली को भी एक पल के लिए विक का विजन आता है। कुछ देर के बाद में जब विक होश आता है तो वो अपने घर में थी और उसके पिता उसके पास में बैठे हुए थे। विक को पता चलता है कि अचानक से उसे तेज़ बुखार हुआ था जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी, जिसके बाद में विक वो वॉच अपने फादर को दे देती है। दूसरी तरफ मैगी फिर से उसी मैजिक बैग में हाथ डालकर कुछ पजल लेटर को बाहर निकालती है जिन्हें जोड़ने पर द ब्रेड लिखा हुआ था और विक के पेरेंट उसे ही प्यार से ब्रेड बुलाया करते थे। मतलब किसी न किसी तरह विक मैगी और डैनियल के केस से जुड़ी हुई थी। वहीं पर विक को उसकी माँ से पता चलता है कि उनके पेरेंट ने सेपरेट होने का डिसीजन ले लिया है क्योंकि इतने सालों से उनके बीच में प्यार जैसा कुछ था ही नहीं। हर दिन उनका झगड़ा होता था और क्रिस ने तो लिंडा के ऊपर कई बार हाथ भी उठाया था जिनके जख्मों के निशान लिंडा के फेस पर अभी भी थे। वो तो बस विक के लिए इतने सालों से साथ में थे। अब विक के फादर को एक जवान लड़की मिल चुकी है जिसके साथ में वो रहने के लिए चले गए हैं। ये सुनकर विक बहुत ही गुस्सा होती है और अपने पिता की बाइक लेकर जंगल की तरफ चली आती है। इस बार उसे वही ब्रिज दिखाई देता है। उस ब्रिज को पार करते ही उसे एक घर दिखाई देता है जहाँ पर उसके पिता क्रिस अपनी नई गर्लफ्रेंड जून के साथ में थे। यहाँ पर हम डैनियल को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बदल चुका था। उसका पूरा चेहरा काला पड़ गया था जैसे कि चार्ली धीरे धीरे उसकी आत्मा उससे छीन रहा हो। डैनियल को किसी भी बात का होश नहीं था, बस उसे चार्ली के कहे मुताबिक क्रिसमस लैंड जाना था। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह थी कि जैसे जैसे डैनियल अजीब दिखाई दे रहा था वैसे वैसे चार्ली जवान होता जा रहा था। स्टार्टिंग में चार्ली जितना ज़्यादा बूढ़ा था अब उसकी एज थोड़ी कम होती दिखाई दे रही थी। तो वहीं पर दूसरी तरफ बिंग विक का दिया हुआ वही कॉमिक पढ़ रहा था जिस पर क्रिसमस लैंड की जॉब के बारे में लिखा हुआ था और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, इस पहले एपिसोड में आपने विक को देखा जो कि अपनी लाइफ से परेशान है और अपने पेरेंट के झगड़ों के बीच में फंसी हुई है। लेकिन इन सब के बीच में उसे एक ऐसा ब्रिज मिलता है जिसे सिर्फ वही देख पा रही थी। और उस ब्रिज में जब भी वो खोई हुई चीज़ों के बारे में सोचकर जाती थी तो उसे वो चीज़ मिल जाती थी, जैसे कि पहले उसकी माँ का क्रेडिट कार्ड, उसके पिता की वॉच और उसके फादर के गर्लफ्रेंड का घर। तो वहीं पर टाउन में चार्ली नाम का एक आदमी आया और लोनली बच्चों को किडनैप करके वो उन्हें अपने साथ में क्रिसमस लैंड ले जाता है। लेकिन उससे पहले चार्ली का एक आदमी उस बच्चे के पेरेंट को मार डालता है। ऊपर से वो बच्चा धीरे धीरे अंदर से मरता जा रहा था और चार्ली जवान होता जा रहा था, जैसे कि चार्ली बच्चों की आत्माओं को छीनकर उन्हें अपना गुलाम बनाता हो। इसी वजह से वो जवान भी होता जा रहा था क्योंकि उसने बच्चों की एज छीन ली थी। मैगी भी अपने पावर से डैनियल का राज पता लगाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसके लिए उसे विक का साथ चाहिए था। तो अब आगे के एपिसोड में हमें पता चलेगा कि मैगी विक से मिल पाती है कि नहीं। तो मैं जल्दी आगे का एपिसोड अपलोड करूँगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तो क्या विक उस ब्रिज का असली मतलब समझ पाएगी? क्या मैगी विक से मिल पाएगी? आखिर विक और मैगी कैसे जुड़े हुए हैं और आखिर बिंग को क्रिसमस लैंड वाला कॉमिक बुक क्यों मिला? चार्ली उन बच्चों को क्रिसमस लैंड ले जाकर क्या करता है? ये हम आज की कहानी में देखेंगे। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है बिंग से जो कि क्रिसमस लैंड कॉमिक बुक पढ़ रहा था और वहाँ पर उसे क्रिसमस लैंड की एक जॉब वैकेंसी के बारे में लिखा हुआ दिखाई देता है और बिना कुछ सोचे समझे बिंग उस जॉब के लिए एक अच्छा सा एप्लीकेशन लिखकर वहाँ पर अप्लाई कर देता है। तभी उसे ऊपर के रूम से क्रिसमस सॉन्ग सुनाई देता है। उस आवाज़ को फॉलो करते हुए जब वो ऊपर लिविंग रूम में जाता है तो वहाँ पर उसे अपने पेरेंट दिखाई देते हैं जो कि डांस कर रहे थे। अचानक उसके फादर उसकी माँ को जान से मार डालते हैं और उसके बाद उसके पिता उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। तब डर के मारे बिंग खुद को बेसमेंट पर बंद कर लेता है। लेकिन वहाँ पर उसे डैनियल एक डेमोनिक रूप में मिलता है जो कि उसे क्रिसमस लैंड का इन्विटेशन देता है। लेकिन जब बिंग उस इन्विटेशन को लेने जाता है
तो डेनियल उसका हाथ मरोड़ देता है। लेकिन यह सब बस बिंग का एक बुरा सपना था। लेकिन फिर भी उसे ऐसा फील होता है जैसे कि चांद उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा हो। बिंग को अब रियलिटी और सपने के बीच में कन्फ्यूज़न हो रहा था। दूसरी तरफ विक अपने पिता से बात करने जाती है। वो अपने पिता क्रिस से बहुत ही नाराज़ थी क्योंकि उनका झगड़ा उसकी माँ के साथ में था, तो उन्होंने विक को भी क्यों छोड़ दिया, जबकि उन्हें पता था कि लिंडा किस तरीके से विक को कंट्रोल कर रही है। तब क्रिस विक को समझाते हैं कि उन्होंने बस उसकी माँ लिंडा से रिलेशन तोड़ा है, उससे नहीं। जब भी विक को ज़रूरत होगी वो उसके साथ में रहेगा और हमेशा उसके डिसीजन का सपोर्ट करेगा। अब अगले दिन हम बिंग को उसके दूसरे जॉब पर देखते हैं जहाँ पर वो एक गैस कंपनी में काम कर रहा था। वैसे वो दो तीन जॉब किया करता था लेकिन एक भी जॉब से वो खुश नहीं था। उस दिन जब वो अपनी जॉब पर था तो रिकॉर्डर पर वही क्रिसमस सॉन्ग सुनाई दे रहा था, जबकि रिकॉर्डर का वायर तो डिसकनेक्टेड था। उसी समय पर उसे फैक्ट्री के बाहर चार्ली दिखाई देता है, लेकिन जब तक वो उसके पास में जाता है फैक्ट्री का गेट बंद हो चुका था, और जब तक वो गेट को खोलता चार्ली वहाँ से गायब हो चुका था। दूसरी तरफ विक फिर से उसे ब्रिज के पास में गई थी, और इस बार विक के साथ में उसका दोस्त टॉम भी था। बचपन में टॉम के पास एक रैबिट टॉय था जो कि उससे खो गया था, और उसके मिसिंग टॉय को ढूंढने के लिए विक उस ब्रिज के अंदर चली जाती है। पहले तो वहाँ पर कोई भी ब्रिज नहीं था, लेकिन जब विक उसकी तरफ अपनी बाइक चलाकर ले जाती है तो वहाँ पर फिर से वही ब्रिज आ जाता है। टॉम भी विक का पीछा करते हुए ब्रिज के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाता है और बाइक से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद में जब उसे होश आता है तो विक उसके पास में थी और वो ब्रिज फिर से गायब हो चुका था। विक उसे उसका वही रैबिट टॉय दे देती है जो कि बचपन में उसे खो गया था, लेकिन इस मिस्टीरियस ब्रिज में विक को वो भी मिल चुका था। अब उन्हें यह तो समझ आ गया था कि ये ब्रिज विक के अलावा कोई और पार नहीं कर सकता है और यहाँ पर किसी भी मिसिंग चीज़ को पाया जा सकता है। बस इस प्रोसेस में विक की आंखों से थोड़ा सा ब्लड निकलता था और उसकी हेल्थ थोड़ी ख़राब हो जाया करती थी। इन सबसे वे दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी थे और बहुत डरे हुए भी थे। ऊपर से इस ब्रिज को 15 साल पहले ही तोड़ दिया गया था, तो वो फिर से वहाँ पर कैसे मौजूद हुआ। दूसरी तरफ मैगी पुलिस स्टेशन जाती है डेनियल के केस के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर जो से उसी पुरानी रोल्स रॉयस कार के बारे में पूछती है। जो के मुताबिक वैसी कार को इस टाउन में किसने नहीं देखा, लेकिन कुछ साल पहले किसी की मिसिंग रिपोर्ट में उस कार का मेंशन किया गया था, और उस कार का मेंशन किसी गैरेज के ओनर ने किया था जो कि नेब्रास्का में रहता था। उसी दिन जब बिंग अपना काम कर रहा था तो उसके पास में चार्ली आता है, और अब चार्ली पहले से और भी ज़्यादा यंग दिखाई दे रहा था। चार्ली यहाँ पर क्रिसमस लैंड के जॉब के लिए बिंग का इंटरव्यू लेने के लिए आया था। बिंग को थोड़ा ये अजीब लगता है क्योंकि उसने तो अपने सपने में उस जॉब के लिए अप्लाई किया था। चार्ली के मुताबिक हर बच्चे क्रिसमस लैंड में जाने का डिसर्व करते हैं, लेकिन सिर्फ प्योर हार्ट वाले और लॉयल एडल्ट ही उस क्रिसमस लैंड में जा सकते हैं, तो इस जॉब को पाने के लिए बिंग का लॉयल होना ज़रूरी है। बिंग से कुछ बातें करने के बाद में चार्ली बिंग को क्रिसमस लैंड की जॉब दे देता है, और बिंग इस बात से बहुत ही खुश था और वो चार्ली के कहने पर उसके साथ में उसकी कार में बैठकर चला जाता है। रास्ते में बिंग चार्ली के दिए हुए ड्रिंक को पीकर उसके क्रिसमस लैंड की बातें सुन रहा था, लेकिन उस ड्रिंक को पीकर बिंग कुछ ही देर में बेहोश हो जाता है। सीन कट होता है और यहाँ पर विक अपनी माँ के साथ में एंजेला के घर पर काम कर रही थी। तभी लिंडा को एंजेला से पता चलता है कि विक ने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है। ये बात जानकर लिंडा बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और लंच के टाइम पर लिंडा विक को कॉलेज की स्टडी ना करने के बारे में समझा रही थी। इन सबसे विक को ये समझ में आ गया था कि अगर वो अपनी माँ के साथ में रहेगी तो कभी भी कॉलेज नहीं जा पाएगी, तो इसलिए वो अपनी माँ लिंडा को छोड़कर अपने पिता के पास में रहने के लिए निकल जाती है। लेकिन पहले वो मिली से मिलकर उसे अपने कलर पेंसिल देती है और उसको भी आर्ट पर फोकस करने के लिए मोटिवेट करती है। मिली से बात करते टाइम एक पल के लिए विक को वैसा ही कैंडी दिखाई देता है जैसा कि डेनियल के पास में था, लेकिन रियलिटी में मिली के हाथ में बस एक पेंसिल थी। विक भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और वहाँ से अपने पिता के पास में आती है। उसके पिता क्रिस अपनी नई गर्लफ्रेंड जून के साथ में बहुत ही खुश थे, तो इसीलिए वो उनके रिलेशन को लेकर कुछ नहीं कहती है, पर वो क्रिस से उनके साथ वहाँ पर रहने की परमिशन मांगती है। अब वो घर क्रिस का नहीं बल्कि जून का था, लेकिन जून को कोई प्रॉब्लम नहीं थी अपने बॉयफ्रेंड की बेटी को अपने साथ में रखने के लिए। जून विक को अपना एक रूम रहने के लिए दे देती है, तो वहीं पर मैगी और पुलिस ऑफिसर जो को उसे गैरेज में उस पुरानी रोल्स रॉयस के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने जाते हैं। वहाँ पर उन्हें सारा नाम की एक ओल्ड लेडी मिलती है
उससे उन्हें पता चलता है कि ये गैराज पहले उसके बेटे का हुआ करता था और आज से 32 साल पहले वैसे ही एक कार को उसके बेटे ने ठीक किया था, जिसके बाद में उसका ग्रैंडसन मिसिंग हो गया और उसके बेटे को किसी ने जान से मार दिया था। फिर उसकी बॉडी पर खिले ठोक कर उसकी बॉडी को दीवार पर लटका दिया गया था। इसके बाद से वो कार उसे कभी नहीं दिखाई दी। अब रात को जब बिंग को होश आता है तो खुद को क्रिसमस लैंड में पाता है। यहाँ पर चार्ली बिंग को उसका काम समझा देता है। बिंग का काम था 10 बच्चों को उसके पेरेंट्स से बचाकर चार्ली के पास में लेके आना। वो बच्चे बिल्कुल लोनली होना चाहिए, जिन पर उनके पेरेंट ध्यान नहीं देते हैं और उनके कोई दोस्त भी नहीं होते हैं। साथ ही बिंग को उन बच्चों के पेरेंट को जान से मारना होगा, क्योंकि वो पेरेंट बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं थे। कुछ देर के बाद में जब चार्ली की कार क्रिसमस लैंड में रुकती है तो वहाँ की आइस के नीचे बिंग को बच्चों की डेड बॉडी दिखाई देती है और आसपास बहुत सारे बच्चों की ग्रेव्स थी। लेकिन चार्ली के मुताबिक ये सभी बच्चे मरे नहीं थे, उनको तो नई जिंदगी मिली थी। उनके पेरेंट ने उनकी लाइफ वैसे भी नरक बनाकर रखी हुई थी और उन्हें वहाँ पर खाना नहीं देते थे और मारते पीटते थे। लेकिन अब चार्ली के क्रिसमस लैंड में ये सभी बच्चे बहुत ही खुश हैं और उन्हें मुक्ति मिल चुकी है और वो अब जिंदगी के किसी भी पेन में नहीं थे। अब बिंग की ड्यूटी थी कि वो ऐसे ही लोनली और दुखी बच्चों को ढूंढें और उनके पेरेंट को जान से मार दें। चार्ली की ये बात सुनकर बिंग भी इस काम को करने के लिए राजी हो जाता है। दूसरी तरफ डिनर के समय पर विक क्रिस और जून को यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बारे में बताती है, साथ ही लिंडा के बारे में भी कहती है जो उसके इस डिसीजन को सपोर्ट नहीं कर रही थी। अब वे लोग बातें कर ही रहे थे कि उसी समय पर लिंडा वहाँ पर आती है, क्योंकि वो विक को वहाँ से ले जाना चाहती थी। लिंडा के मुताबिक अगर विक कॉलेज गई तो वहाँ से वो प्रेग्नेंट होकर वापस आएगी और ऊपर से उसको स्टडी का बहुत सारा लोन भी चुकाना होगा। लेकिन यहाँ पर क्रिस और जून विक के कॉलेज जाने की बात को सपोर्ट कर रहे थे। इन्हीं बातों को लेकर लिंडा क्रिस और जून के बीच में झगड़ा होने लगता है और तब विक अपनी बाइक को लेकर फिर से जंगल में उसी ब्रिज को पार करती है। यहाँ पर इस बार उस ब्रिज को पार करके विक मैगी के सामने आ गई थी। मैगी विक की बातों से शॉक्ड थी, क्योंकि विक अचानक से हेवरहिल टाउन से लोवा सिटी उस ब्रिज के जरिए आ गई थी, जबकि दोनों सिटीज़ की डिस्टेंस बहुत दूर की थी। यहाँ पर मैगी को समझ में आ गया था कि विक वही लड़की है जिसे वो ढूंढ रही थी। विक की तबीयत वहाँ पर ख़राब हो रही थी तो इसलिए मैगी उसे अपने साथ में लाइब्रेरी लेकर जाती है। वहाँ पर मैगी से विक को पता चलता है कि उसके पास में एक अमेजिंग पावर है। उसकी बाइक एक नाइफ है और ब्रिज एक इंस्क्रैप है, जिसकी हेल्प से विक किसी भी जगह पर जा सकती है। लेकिन इन सबका उसे कोई प्राइस भी चुकाना पड़ेगा और इसीलिए जब विक भी उस ब्रिज को पार करती है तो उसकी आंखों से खून निकलता है और उसकी हेल्थ भी खराब होने लगती है। उसके बाद में मैगी विक को अपनी पावर दिखाकर उस मैजिक बैग से पजल लेटर निकालती है और उन लेटर को जोड़ने के बाद में मैगी को विक के वहाँ पर पार आने का कारण पता चलता है। मैगी के मुताबिक विक और उसे ऐसे ये पावर नहीं मिली है। उन दोनों की ड्यूटी बनती है कि उन मिसिंग बच्चों को पता लगाना और उन्हें कौन आदमी किडनैप कर रहा है उसके बारे में जानना। लेकिन विक इन सभी मामलों में फंसना नहीं चाहती थी, उसे तो बस उस टाउन से निकलकर कॉलेज जाना था और अपना फ्यूचर ठीक करना था। तो इसलिए मैगी के बार बार समझाने के बाद भी विक वहाँ से चली जाती है। उस ब्रिज से वापस अपने टाउन आने के बाद विक के सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वहीं पर उसे मिली मिलती है, जो कि अपने कैट को ढूंढ रही थी। विक मिली से प्रॉमिस लेती है कि वो कभी भी उस ब्रिज के बारे में किसी को नहीं बताएगी और ना ही वो उस ब्रिज की तरफ जाएगी, क्योंकि मिली ने विक को उस ब्रिज से वापस आते हुए देख लिया था। अब रात बहुत हो चुकी थी तो इसलिए विक मिली को उसके घर छोड़ने चली जाती है और यहीं पर एपिसोड 2 भी ख़त्म होता है। तो एपिसोड 2 में आप लोगों ने देखा कि विक के अलावा कोई और दूसरा उस ब्रिज को चाककर भी पार नहीं कर सकता है। ये पावर बस विक के पास है और इन पावर को यूज़ करते टाइम विक की बॉडी भी बहुत वीक पड़ जाती है। इस ब्रिज के जरिए विक मैगी से भी मिली और उसी से विक को काफ़ी चीज़ें भी पता चली। विक को ये पावर उन बच्चों को चार्ली से बचाने के लिए मिली, लेकिन विक का टारगेट अब तक कुछ और है। उसे तो बस अपनी लाइफ सुधारनी है और उसे इस टाउन से बाहर जाना है। दूसरी तरफ बिंग अब चार्ली का गुलाम बन चुका था और चार्ली ने उसे जो भी काम दिए हैं उसे बस वही करना होंगे। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि चार्ली उन बच्चों को हैप्पीनेस देने के नाम पर क्रिसमस लैंड में बुलाता है और उनकी आत्मा को कैद करके रखता है, और जितने बच्चों को वो कैद करेगा उतना ही वो जवान होता जाएगा। अब ये कहानी आगे कौन सा मोड़ लेगी ये हमें आगे पता चलेगा।